माननीय सदस्य अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे। श्री चैतन्य शर्मा माननीय सदस्य यदि चाहें तो चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। माननीय चैतन्य शर्मा। ऑनरेबल स्पीकर सर, विद योर परमिशन आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू द ग्रीनिंग द फ्यूचर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज विद बायोफ्यूल्स एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। थैंक यू। थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वेरी शॉर्ट, यू डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट। I actually have a lot to say, so I don't know if I. No, you can say a lot of. Okay. You will be given a time, a brief, short. How long can I expand for, sir? 5 to 7 minutes. Okay. Thank you, Speaker sir. Sir, जब ये हमारा सत्र शुरू हुआ, तो पहले दो दिनों में हमारे नियम 102 के तहत जो प्रस्ताव लाया गया था, जो मोशन मूव करा गया था, बहुत सारे लोगों के विचार सुनने को मिले। उसी के दौरान मैंने सोचा कि हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं इस सदन में जो है पहल करने की बहुत जरूरत है। और साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश को एक बहुत सुरैना अवसर मिला था। रिसेंटली वी चेयर्ड द G20 समिट जो सक्सेसफुली कल्मिनेट हुई सितंबर 19 से 21 के बीच में, और एक बहुत महत्वपूर्ण सर वहां पर जो है इंडिया ने मिशन को स्पीयरहेड किया था एंड दैट वाज द बायोफ्यूल अलायंस। मैं इस सदन का ध्यान इस अलायंस के प्रति जरूर आकर्षित करना चाहूंगा सर। उसमें सर अराउंड 21 कंट्रीज केम टुगेदर, जिसमें इंडिया और यूएस जो है दे आर गोइंग टू स्पीयरहेड दिस मिशन। अब सर जो हमारे रीसेंट फ्लैश फ्लड्स अभी हुए, उसमें हमारे प्रदेश में लार्ज स्केल डिजास्टर हुआ। मैं सबसे पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी कर्मठता के साथ ही लेड फ्रॉम द फ्रंट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। कम से कम 7-8 जिले उन्होंने खुद विजिट करे, सारे विधायकों के साथ भी वो ऑल द टाइम टच में थे। हमने काफी ज्यादा जो भारी भरकम नुकसान झेला उसके ऊपर हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा जो है एक फ्रंट फुट पे आके हमारे लोगों की जो है मदद करने की कोशिश करी। बट सर हमारे यहाँ पर जो ये जो इश्यूज आ रहे हैं, हमारे प्रदेश में ये जो इश्यू आ रहे हैं बार बार, इसके ऊपर हम आगे विचार करना सर बहुत ज्यादा जरूरी है कि देन व्हेन अ कैलामिटी ऑफ दिस सॉर्ट हिट्स आवर कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और द स्टेट, हम क्या कर सकते हैं सर इसके लिए। अब सर जो हमारा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट जो है प्रस्तुत करा था, उसके अंदर सर हमने ग्रीन स्टेट बनने के लिए जो है एक पहल करी है, जिसके अंदर हम 40% सब्सिडी दे रहे हैं, मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की बात करी जा रही है, ग्रीन कॉरिडोर्स जो है डेवलप करे जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करा जा रहा है। इसी के साथ साथ सर मेरा जो खुद का निर्वाचित क्षेत्र है गगरेट, वहां पर 1 of the 3 एथेनॉल प्लांट्स इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन सैंक्शन। तो 1G के तहत जो कैटेगराइजेशन होते हैं एथेनॉल प्लांट्स के, 1G 2G 3G 1G का जो एक एथेनॉल बेस्ड प्लांट है जिसमें शुगर की क्रॉप्स को और हमारे एग्री प्रोडक्ट्स को जो है यूज करते हुए मेज को स्पेसिफिकली वो प्लांट जो है विकसित करा जाएगा। सर मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है कि हम नेशनल पॉलिसी का जो पर्सपेक्टिव है, इसमें हमारे लोकसभा में भी जो है एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी गई थी, उसको भी मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम इस पॉलिसी को आगे डेवलप करें। हमारा जो प्रदेश है, हमारी प्रदेश की जो सरकार है, जैसा कि हम बार बार जो है हमेशा फोकस करते हुए आए हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो वचनबद्ध हैं हमारी गवर्नमेंट को एक ग्रीन स्टेट बनाने के लिए। हमारा जो सर यूथ है उनको इस ग्रीन इनिशिएटिव में कहीं ना कहीं आगे लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सर हम टूरिज्म की बात करें, आज की डेट में देर इज अ कंटिन्यूअस कैश 22 सिचुएशन बिटवीन इकोलॉजिकल प्रोस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब सर हमारा जो राज्य है वो टूरिज्म के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। हम टूरिज्म को हमें आगे बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना है कि हम आने वाले वर्षों में 5 करोड़ जो है सालाना टूरिस्ट को जो है चाहेंगे कि वो हमारे प्रदेश में आए। अब सर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023
1 करोड़ टूरिस्ट हैड ऑलरेडी कम टू हिमाचल प्रदेश, पर दुर्भाग्य की बात है कि जो जुलाई अगस्त और सितंबर में हमें जो एक ये आपदा के साथ जो है हमें लड़ना पड़ा, उसके कारण हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा जो है एक फॉल देखने को मिला। जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसकी भी जो एक फ्यूल पॉलिसी थी उसमें भी कुछ बेंचमार्क सेट करे गए थे कि जिसके आधार पे जो है हमें अपनी चीजों को निरंतर तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल करना था। उसमें भी अब हम देख रहे हैं कि हम उस थ्रेशोल्ड को भी कहीं ना कहीं उससे ऊपर जा रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन ई टूरिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन ब्रिंगिंग इनिशिएटिव्स थ्रू विच हम बायोफ्यूल्स को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। सर मैं कुछ फिगर्स पे जो है इस माननीय सदन की जो है ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगा। सर अगर हम अमेरिका की बात करें, ब्राजील की बात करें, दे आर टू कंट्रीज सर हु आर द फोर्थ मोस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोफ्यूल। सर अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, सो दे आर अराउंड एट 45 बिलियन राइट नाउ एंड वी आर एट 3 बिलियन लीटर्स पर ईयर। तो बहुत ज्यादा स्कोप है सर, क्योंकि जैसे कल केवल पठानिया सर ने भी बोला था, मेरे एस्टीम्ड कॉलीग ने, कि हम इंडिया में बोलते तो हैं कि वी आर एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रेरियन रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं टाइम टू टाइम, बट कहीं ना कहीं देर इज अ पिटफॉल। प्रॉब्लम यह है कि हम उसमें एनविजनमेंट को आगे नहीं लेके जा रहे हैं। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक लीड ली गई है, स्पेशली जो हमने बजट में देखा, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म द हाउस एंड आई एम श्योर देर विल बी अदर मेंबर्स ऑफ दिस हाउस ऑल्सो, जिनके निर्वाचन क्षेत्र से कुछ यूथ ने अभी जो हिमऊर्जा द्वारा एक ये पॉलिसी फ्लोट करी गई थी जिसके अंदर हम वो सोलर प्रोजेक्ट्स का जो प्लांट है वो सेटअप कर रहे हैं, मेरे यहाँ के लोगों ने भी आगे आके इनिशिएटिव लिया है, खुद की उन्होंने जमीनें जो है खरीदी हैं, लीज करी हैं। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए हमारे इस सदन को, हमारी सरकार को विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर हमारे यहाँ पर ये जो बायोफ्यूल की जो एक पोटेंसी है उसको चैनलाइज करना बहुत ज्यादा इस वक्त जो है हमारे लिए इशू होना चाहिए ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। कहीं ना कहीं थ्रू द G20 इनिशिएटिव इंडिया इज स्पीयर हेडिंग दिस मिशन। आवर गवर्नमेंट अलोंग विद आवर रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन, आई होप ऑल ऑफ अस कैन कम टुगेदर सो दैट हिमाचल कैन बी अ स्पीयर हेडर ऑफ दिस इनिशिएटिव विद इन द कंट्री। अगर देश कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे लीड करेगा तो हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो हमारा देश है, हमारे देश में जो हमारा प्रदेश है, वो प्रदेश जो है देश में इस चीज को जरूर लीड करे। सर जहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस को आगे बढ़ावा देने की बात करी गई है, स्मार्ट पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम्स को बढ़ावा देने की बात करी गई है, रोपवेज लगाने की बात करी गई है, दीज आर ऑल पॉजिटिव इनिशिएटिव्स विच आर बीन टेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ आर एस्टीम्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एंड आई रियली होप कि हम इन ऐसे मूवमेंट्स को जो है ग्राउंड पे और ज्यादा उतार सकें। इस सदन के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के यूथ को भी कहीं ना कहीं अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है, दीज आर थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज विच नीड अ लॉट ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव। अगर हम वो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव आज लेंगे तो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इससे जरूर बेनिफिट करेगी, एंड दैट इज ऑफ कोर्स आल्सो द नीड ऑफ द आवर। एक इसके साथ साथ सर पिछले दो दिनों में जब 102 का प्रस्ताव हुआ था तो एक और चीज हमें देखने को मिली कि देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड व्हाट इज अ डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर घोषित करने की जरूरत है या नहीं है। अब सर देयर इज एक्चुअली नो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ अ नेशनल डिजास्टर, बट इफ वी लुक एट द गैजेट नोटिफिकेशन of the Disaster Management Act of 2005, it very clearly in section 3 part D, I'm sorry, section 2 part D defines disaster, and I would like to draw the attention of the house to this particular definition, which means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community. Sir, isme jo operative words hain wo hai coping capacity of the community. And I think none of the respected members of the opposition will also disagree with this. Chahe hum Mandi ki baat karein, chahe hum Shimla ki baat karein, chahe hum Kullu Manali ki baat karein, चाहे अगर मेरे जिले की भी बात करें ऊना की,
जहां पर हमने कंपैरेटिवली रिलेटिवली सबसे कम जो है एडवर्सिटी फेस करने को हमें दिखी. बट आई रियली फील दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ दिस. ऑनरेबल स्पीकर सर, यस्टरडे इन द राज्यसभा द वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास्ड. आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी यू नो वेरी हैप्पी विद इट. बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है हमारे हिमाचल प्रदेश के 3 MPs फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ऑल्सो रिप्रेजेंट अस इन दैट पार्लियामेंट. बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में इस पार्लियामेंट के माध्यम से, खासकर जब ये स्पेशल सेशन होल्ड करा गया था, इट वुड हैव बीन वेरी गुड अगर हमारे इस नेशनल डिजास्टर के बारे में चर्चा होती या इसको उस दर्जा देने के लिए अगर कहीं ना कहीं कोई स्टेप्स उठाए जाते. जेन जी को अट्रैक्ट करने के लिए बॉलीवुड को बुलाया गया नए पार्लियामेंट का निरीक्षण कराने के लिए. बॉलीवुड से काफी सारी एक्ट्रेसेस को बुलाया गया विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर, उनको जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए. इट वुड हैव बीन गुड इफ द पीपल, इफ द एसटीम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु रिप्रेजेंट हिमाचल प्रदेश एंड देयर इंटरेस्ट्स इन द पार्लियामेंट, अगर उन्होंने इस विषय को भी कहीं उठाया होता. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो उन्होंने G20 समिट के डिनर के दौरान ये जो मुद्दा है उठाया हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, और जो एक अनटायरिंग एफर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से रही है, और जो एक विजन सर टू कम बैक टू द टॉपिक, और जो आज का मैंने ये इशू उठाया है, जो विजन हमारी सरकार जो है लेके आई है बजट के थ्रू, उसमें अगर हम बायोफ्यूल मैकेनिज्म को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं और अपने यूथ को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, सो आई होप सर आगे आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश में ऐसी जो आपदा आती है उसको मिटिगेट करने के लिए हम पॉजिटिव स्टेप्स उठा सकेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को टाइम दिया. जय हिंद, जय हिमाचल.